Hello students, I am your account teacher and today's topic is accounting for partnership firms, class 12th part 2nd. Part 1 में हमने partnership firm का meaning, definition, features, partnership deed, limited liability partnership and regular partnership firm में difference, benefits of partnership deed, journal entries एंड फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ तक के जो टॉपिक्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए थे. अब हम जो आगे के टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करते हैं. डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनाया जाता है. मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस को असर्टेन करना. जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाया जाता है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आया है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना. जितने भी बिजनेस कंसर्न्स हैं वो सारे के सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं. जो कंपनीज हैं, पार्टनरशिप फॉर्म्स हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को प्रिपेयर करती है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ना तो ओपनिंग बैलेंस होता और ना ही क्लोजिंग बैलेंस होता है प्रॉफिट का. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के दोनों बैलेंसेज होते हैं, ओपनिंग भी एंड क्लोजिंग भी. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करता है, बट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता. जो भी एक्सपेंसेस हैं, आइटम्स हैं जिनको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं वो एज अ चार्ज होते हैं प्रॉफिट के अगेंस्ट, बट जो भी हमने आइटम्स एक्सपेंसेस हैं डेबिट करे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वो होते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, दोनों ही नॉमिनल नेचर के अकाउंट है. तो रूल्स कौन सा एप्लीकेबल होगा? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या है? ये एक ऐसा अकाउंट है जो कि पार्टनर्स का इंटरेस्ट कितना है बिजनेस में उसको रिप्रेजेंट करे, मतलब पार्टनर्स को बिजनेस से कितना लेना है कितना देना है. पार्टनरशिप बिजनेस के केस में जो हम सेपरेट कैपिटल अकाउंट है उसको मेंटेन करते हैं हर पार्टनर के लिए. जो कैपिटल अकाउंट होगा पार्टनर्स का उसको हम दो मेथड से मेंटेन करते हैं. फर्स्ट मेथड इज फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड एंड सेकंड इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड. जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड है उसमें ओरिजिनल कैपिटल जो भी इन्वेस्ट करी है पार्टनर्स ने वो हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट. जब तक कि हम एग्रीमेंट के द्वारा जो नए एडिशनल कैपिटल है उसको इंट्रोड्यूस नहीं करते या फिर जो परमानेंट कैपिटल है उसको विदड्रॉ नहीं करते. जितनी भी एंट्रीज होंगी ड्राइंग्स से रिलेटेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सैलरी टू पार्टनर, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारी एंट्रीज हम एक सेपरेट अकाउंट में मेंटेन करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे और उस अकाउंट का नेम क्या होगा? करंट अकाउंट. तो जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है उसमें हम दो अकाउंट को मेंटेन करते हैं, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट. जो कैपिटल अकाउंट होता है उसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, मतलब जो क्रेडिट साइड है वो हमेशा ज़्यादा होगी डेबिट साइड से. जो बैलेंस है कैपिटल अकाउंट का वो फिक्स्ड रहेगा, हर साल चेंज नहीं होगा, इसी वजह से इस मेथड को हमने फिक्स्ड कैपिटल मेथड कहा. जो दो ट्रांजेक्शन्स हैं सिर्फ उन्हीं को रिकॉर्ड किया जाता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में. जो परमानेंट एडिशनल कैपिटल है इंट्रोड्यूस करी हमने जो एग्रीमेंट के द्वारा उसको रिकॉर्ड किया जाएगा. जो परमानेंट कैपिटल विदड्रॉ करी, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल नॉट आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ कैपिटल जो भी हमने ड्रॉइंग्स करा है वो भी इस अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा. करंट अकाउंट
करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो डेबिट भी हो सकता है एंड क्रेडिट भी, मतलब डेबिट साइड भी ज़्यादा हो सकती है एंड क्रेडिट साइड भी। जितनी भी एडजस्टमेंट है किससे रिलेटेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, कमीशन, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, शेयर इन प्रॉफिट्स और लॉसेस, ये सब हम रिकॉर्ड करते हैं करंट अकाउंट में। जो भी करंट ईयर्स की एडजस्टमेंट है उनको हमने इस अकाउंट में रिकॉर्ड करा, इसी वजह से हमने इस अकाउंट को करंट अकाउंट कहा। फॉर्मेट ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। टी शेप अकाउंट है, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड। पार्टिकुलर्स, जितने भी पार्टनर्स होंगे उन सभी के जो कॉलम्स है वो बनेंगे। यहाँ पे दो पार्टनर्स है एक्स एंड वाई, पर्टिकुलर्स एक्स वाई, पर्टिकुलर्स एक्स एंड वाई। सबसे पहले जो ओपनिंग बैलेंस गिवन होगा, क्रेडिट बैलेंस, लाइबिलिटी साइड बैलेंस शीट की, उसको हमें रिकॉर्ड करना होगा यहाँ पर। उसके बाद अगर पार्टनर्स हैं कोई एडिशनल कैपिटल लेके आते हैं तो पैसा लेके आएंगे तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट साइड पोस्टिंग हो जाएगी, किससे, कैश या बैंक अकाउंट से। अगर जो पार्टनर्स हैं ये तो लेके आए थे, अब विड्रॉ भी कर सकते हैं परमानेंटली। अब विड्रॉ करेंगे तो जो कैश है उसका बैलेंस कम हो जाएगा और जो कैपिटल है वो भी कम हो जाएगी, तो एंट्री क्या बन जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट। फिर यहाँ पे दोनों साइड का हम टोटल करेंगे और हमें पता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के केस में जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होगा वो हमेशा क्रेडिट होगा, जो क्रेडिट साइड है वो ही ज़्यादा हो जाएगी हमारे डेबिट साइड से, तो रिमेनिंग बैलेंस आएगा उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, देन टोटल और कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम बनाएंगे करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में जो भी एडजस्टमेंट है उनको किया जाएगा रिकॉर्ड। सबसे पहले तो जो करंट अकाउंट का बैलेंस है वो डेबिट भी हो सकता है एंड क्रेडिट भी। अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट की एसेट साइड गिवन है तो उसको रिकॉर्ड करेंगे हम डेबिट साइड। अगर जो करंट अकाउंट के बैलेंसेस हैं वो गिवन है बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज साइड, तब उसको रिकॉर्ड किया जाएगा क्रेडिट साइड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पर। पार्टनर सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से जो हमारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने ट्रांसफ़र करा उसको यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा। कोई ड्राइंग्स करी है वो डेबिट साइड आ जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो यहाँ आ जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉसेस यहाँ पे तो जो प्रॉफिट था उसमें शेयर होगा वो क्रेडिट साइड आएगा, अगर कोई लॉस में शेयर हुआ तो वो डेबिट साइड आ जाएगा। दोनों साइड का हम टोटल करेंगे। अब यहाँ पे कोई सी भी साइड का जो टोटल है वो ज़्यादा हो सकता है, डेबिट साइड भी ज़्यादा हो सकती है एंड क्रेडिट साइड भी। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा हुई तो यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा और डेबिट साइड ज़्यादा हुई तो डेबिट बैलेंसेस हमारे यहाँ आ जाएंगे। फिर हम टोटल करेंगे और अकाउंट को क्लोज कर देंगे। जो करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है उसको हम शो करेंगे बैलेंस शीट की एसेट साइड। जो करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है उसको हम शो करेंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो हमेशा लायबिलिटी साइड ही शो किया जाएगा क्योंकि ये हमेशा क्रेडिट बैलेंस को ही रिप्रेजेंट करता है। सेकंड मेथड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हमने दो सेपरेट अकाउंट को प्रिपेयर किया, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। बट जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है उसमें हम सिर्फ एक ही अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे, कैपिटल अकाउंट को। जितनी भी एडजस्टमेंट है वो सारी की सारी हम इसी अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, कमीशन, जो भी एडजस्टमेंट है उनको एक सिंगल अकाउंट में ही रिकॉर्ड किया जाएगा। जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होगा वो डेबिट भी हो सकता है एंड क्रेडिट भी। इसी वजह से जो इसके जो बैलेंसेज इस अकाउंट के वो फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम, और जिस वजह से हमने इसको नेम दिया है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। इस मेथड में जो कैपिटल है वो फिक्स्ड नहीं होती, चेंज होती रहती है। अगर क्वेश्चन में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है कि एब्सेंस इन्फॉर्मेशन के आपको नहीं बताया गया कि कौन सा मेथड यूज़ करना है, उस केस में आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड को अडॉप्ट करोगे। अगर आपको क्लियरली मेंशन है क्वेश्चन में कि
फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड है उसको यूज़ करना है, या फिर जो पार्टनर्स की कैपिटल है वो फिक्स्ड गिवन है, तब आप दो सेपरेट अकाउंट को प्रिपेयर करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है देन आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के अकॉर्डिंग ही सिर्फ एक ही अकाउंट को प्रिपेयर करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। फॉर्मेट क्या है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट? ये भी टी शेप अकाउंट है, डेबिट ये क्रेडिट साइड। फॉर्मेट हो जाएगा डेट पार्टिकुलर, जितने भी नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं वो ए बी डेट पार्टिकुलर्स ए एंड बी। सबसे पहले हम यहाँ पर जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है उसको रिकॉर्ड करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये क्वेश्चन में गिवन होगा बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड, वहाँ से हमने बैलेंस इसको लिखा। अगर जो पार्टनर्स हैं वो एडिशनल कैपिटल को इंट्रोड्यूस करते हैं, एंट्री क्या बन जाएगी? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो क्रेडिट साइड पोस्टिंग हो जाएगी बाय कैश एंड बैंक अकाउंट से। अगर विदड्रॉ करते हैं तो डेबिट साइड पोस्टिंग हो जाएगी। ऐसे ही जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस है। इससे क्या हो जाएगी? जो फर्म की लाइबिलिटी है किसके टूवर्ड्स? पार्टनर्स के टूवर्ड्स, वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। अगर आप किसी भी ट्रांजेक्शन को देख के ये लगता है कि इससे जो फर्म की लाइबिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है, तो उसको हम क्रेडिट साइड पोस्ट करेंगे। अगर जिस ट्रांजेक्शन को देख के आपको लगता है कि इससे जो फर्म की लाइबिलिटी है पार्टनर्स के टूवर्ड्स वो कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो उसको हम डेबिट साइड पोस्ट करेंगे। अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस है, फर्म को पे करना होगा पार्टनर्स को, यहाँ पे जो लाइबिलिटी है वो इंक्रीज होगी, तो हमने क्रेडिट साइड पोस्टिंग कर दी। सैलरी पार्टनर्स को देनी है, ये भी फर्म के लिए एक्सपेंस है, लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट साइड पोस्टिंग होगी। कमीशन अकाउंट, ये भी पार्टनर्स को पे करना है, तो फर्म की जो लाइबिलिटी है वो इंक्रीज होगी, क्रेडिट साइड। प्रॉफिट में जो शेयर है वो हमने अप्रोप्रिएट कराया, जो बचा हुआ शेयर था वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स को, तो यहाँ पे भी फर्म को ही देना है पार्टनर्स को, लाइबिलिटी है वो इंक्रीज होगी, क्रेडिट साइड पोस्टिंग। टू ड्रॉइंग्स, अब पार्टनर्स ने कुछ अमाउंट विदड्रॉ कर लिया, अब पार्टनर्स ने पे करना है फर्म को, तो फर्म के लिए इनकम है, यहाँ पे जो लाइबिलिटी है वो डिक्रीज होगी, तो डेबिट साइड पोस्टिंग। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अब जो ड्रॉइंग करी उन्होंने उस पर इंटरेस्ट कौन देंगे? पार्टनर्स देंगे फर्म को, तो ये भी क्या है? फर्म के लिए इनकम, इससे जो पार्टनर्स जो फर्म की लाइबिलिटी है वो कम हो गई। ऐसे ही शेयर ऑफ लॉस, लॉस में जो शेयर है वो जो पार्टनर्स है वो पे करेंगे फर्म को, तो यहाँ पे भी जो लाइबिलिटी थी फर्म की वो कम होगी, तो डेबिट साइड पोस्टिंग। अब दोनों साइड का हम टोटल करेंगे, जो भी डिफरेंस आएगा उसको हम बैलेंसेस को निकालेंगे, देन टोटल करेंगे और अकाउंट को क्लोज कर देंगे। दोनों में डिफरेंस क्या है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड में एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में। ये तो आप खुद से भी बना सकते हो कि जो फिक्स्ड कैपिटल मेथड है उसमें हम दो अकाउंट को मेंटेन करते हैं, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है उसमें हम सिर्फ एक अकाउंट को मेंटेन करते हैं, दैट इज कैपिटल अकाउंट। जो फिक्स्ड कैपिटल मेथड है उसमें जो कैपिटल है वो अनचेंज रहती है, मतलब चेंज नहीं होती जब तक कि जो पार्टनर्स हैं एग्रीमेंट के द्वारा एडिशनल कैपिटल को इंट्रोड्यूस नहीं करते, या फिर जो परमानेंटली कैपिटल है उसको विड्रॉ नहीं करते। बट जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है उसमें तो क्या होता है, जो कैपिटल की अमाउंट है वो पीरियड टू पीरियड चेंज होती रहती है। जो फिक्स्ड कैपिटल मेथड है उसमें जो कैपिटल अकाउंट है उसका जो बैलेंस होगा वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। जो करंट अकाउंट है उसके दोनों बैलेंस हो सकते हैं, डेबिट बैलेंस भी एंड क्रेडिट बैलेंस भी। जो कैपिटल अकाउंट है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग वो दोनों बैलेंसेस को शो कर सकता है, क्रेडिट बैलेंस को भी एंड डेबिट बैलेंस को भी। जो भी एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से, सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, लॉसेस, ये सारी हम करेंगे करंट अकाउंट में। बट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग जितनी भी एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, लॉसेस, ये सारी हम करेंगे कैपिटल अकाउंट में। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? देखो ये पार्टनर है,
ये फर्म है। पार्टनर्स ने कैपिटल दी फर्म को, इंट्रोड्यूस करी, कंट्रीब्यूट करी अपना जब बिजनेस स्टार्ट करा उसके लिए। अब जो फर्म है वो क्या करेगी, इसी कैपिटल पर इंटरेस्ट पे करेगी पार्टनर्स को, तो फर्म के लिए एक्सपेंस है। अगर यहाँ पर जो पार्टनरशिप डीड है उसमें मेंशन किया हुआ है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो अलाउड होगा, तो जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी एज़ पर दी एग्रीमेंट वो हम प्रोवाइड कर देंगे पार्टनर्स को। कैलकुलेट कैसे करेंगे, जितनी कैपिटल की अमाउंट है, मान लो कि जो ये मिस्टर ए हैं इन्होंने 50,000 है वो प्रोवाइड करें, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है, और हमने पूरे साल के लिए निकालना है, तो कितना हो गया 5,000 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो फर्म पे करेगी ए को। अब बट उससे पहले हमें यहाँ पर चेक करना होगा कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको हमें एज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ट्रीट करना है या फिर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अगर हम एज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ट्रीट करते हैं तो उसके साथ हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, अगर फर्म को लॉस हो जाए इन केस ऑफ लॉसेस तो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स को कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो अलाउड नहीं होगा। प्रॉफिट्स अगर हमारे पास सफिशियंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो फुल में अलाउड हो जाएगा, सारा का सारा हम उनको पे कर देंगे जितना भी उनका बनता है एज पर द एग्रीमेंट। अगर प्रॉफिट्स हमारे पास क्या है, इनसफिशियंट है, कम है, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो तो ज़्यादा है बट जो प्रॉफिट्स हैं वो कम है, तो उस केस में जितना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है हमारे पास वहीं तक हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको अप्रोप्रिएट करेंगे, और किस रेशो में, जो उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशो होगा उसमें। अब इन्हीं केसेस को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अब फर्म में दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी, ए कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट करता है 50,000, बी कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट करता है 30,000, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो है 1:1, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है वो हम मान लेते हैं 10%। अब यहाँ पर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का एंड बी का 50,000 पे 10% कितना हो जाएगा 5,000, बी का 30,000 का 10% 3,000, टोटल हो गया हमारे पास 8,000। अब हमें इसको कंपैरिजन करना है, जो भी क्वेश्चन में पहला केस तो क्या कह रहा था, अगर लॉस हो जाए फर्म को, अगर लॉस गिवन है 8,000 के, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको अलाउड नहीं करेंगे, कोई भी इंटरेस्ट है कैपिटल पर वो पार्टनर्स को पे नहीं किया जाएगा। सेकेंड केस क्या है, जब प्रॉफिट्स हमारे पास सफिशियंट है, मान लो कि आपके पास जो प्रॉफिट है वो 18,000 के हैं बट जो इंटरेस्ट कैपिटल कितना बन रहा है 8,000, तो हम यहाँ पर उसको जो प्रोवाइड कर देंगे 8,000 फुल में। थर्ड केस क्या कहता है कि जब प्रॉफिट इनसफिशियंट है, अब मान लो हमारे पास जो प्रॉफिट है वो सिर्फ 5,000 के गिवन है, तो उस केस में जो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे पार्टनर्स को वो 8,000 नहीं देंगे, 5,000 ही उसको अप्रोप्रिएट करेंगे, और किस रेशो में 5,000 को, 1:1 की रेशो में नहीं, जो उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसकी रेशो में, कितना बनता है 5:3 में, तो 5,000 का 5/8 ये मिल जाएगा ए को, और 5,000 का 3/8 ये मिल जाएगा बी को। अब केस सेकंड की बात करते हैं, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमें एज अ चार्ज प्रॉफिट के अगेंस्ट वो ट्रीट करना है। अगर क्वेश्चन में गिवन है कि चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, हर सिचुएशन में जो फर्म है उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो पे करना ही होगा, तब उसको हम एज अ चार्ज ट्रीट करेंगे एज एन एक्सपेंस, और इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्योंकि हम यहाँ पर उसको चार्ज कर रहे हैं, एप्रोप्रिएट नहीं कर रहे।
जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर ही कैलकुलेट किया जाएगा। अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है तो सबसे पहले हमें ओपनिंग कैपिटल को असर्टेन करना होगा। फॉर्मूला क्या है? क्वेश्चन में हमें गिवन होगी जो भी क्लोजिंग कैपिटल है, कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, उसमें हम कुछ आइटम्स को ऐड करेंगे, कुछ आइटम्स को माइनस करेंगे। क्या क्या ऐड करेंगे? जो ड्रॉइंग्स की अमाउंट है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, लॉसेस हो गए वो, इनको तो हम ऐड करेंगे। लेस क्या क्या करेंगे? जो भी पार्टनर्स ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है उसको माइनस कर देंगे। जो प्रॉफिट्स हुए हैं वो लेस हो जाएंगे। अगर पार्टनर्स को कोई सैलरी कमीशन है वो हमने पे करी है देन वो भी यहाँ पर लेस हो जाएगी। उसके बाद जो बैलेंस बचेगा वो ओपनिंग कैपिटल होगा और उसी कैपिटल पर हम जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको कैलकुलेट कर। अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब ये पार्टनर है, ये फर्म है। अब जो पार्टनर है वो क्या करेगा, फर्म से अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो ड्रॉइंग्स है गुड्स की फॉर्म में या कैश की फॉर्म में विथड्रॉ करेगा। ड्रॉइंग करी और जो पार्टनर्स है वो क्या करेगा, इसके बदले में फर्म को इंटरेस्ट पे करेगा। जो भी उसने विथड्रॉ करा है उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करेगा। जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है वो फर्म के लिए क्या है, इनकम है। अब जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है फर्म तभी चार्ज करेगी जब पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा। और जो कैलकुलेशन है वो कैसे करेंगे हम, जो भी टाइम पीरियड है उसके रेफरेंस में जितना भी मनी उसने विथड्रॉ करा है। जो हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास दो केसेस हैं वो अराइज होते हैं। फर्स्ट केस क्या है, जब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की जो रेट है वो परसेंटेज में गिवन है, जो हमें क्वेश्चन में फ्लैट रेट है वो बता दी गई। अब यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो मेंशन नहीं है, चाहे कुछ भी हो बट हमें बता दें कि जो पार्टनर्स है उसने अमाउंट विदड्रॉ करी, मान लो 80,000 रुपीज़ की ड्रॉइंग और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 10%। अब यहाँ पर इसके साथ जो पर एनम वर्ड है वो इंक्लूड नहीं है, ओनली जो 10% है वो हमारे पास गिवन है। तो हम कैसे निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, डायरेक्ट 80,000 का 10% करेंगे, ये हो जाएगा 8,000 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ऐसे अब हमारे पास सेकंड केस क्या आता है, जब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का जो रेट है वो परसेंटेज पर एनम में गिवन है, कि जब क्वेश्चन में लिख दिया 10% पर एनम, तो उस सिचुएशन में हमारे पास चार केसेस हो सकते हैं। तो फर्स्ट केस क्या कहता है कि जो ड्रॉइंग की डेट है, डेट ऑफ ड्रॉइंग है, वो गिवन नहीं है, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि किस डेट को पार्टनर्स ने ड्रॉइंग करा। तो उस केस में हम कैसे निकालेंगे, जो भी टोटल ड्रॉइंग है वो उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी रेट है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6/12, 6 मंथ्स के लिए। जैसे पार्टनर्स ने ड्रॉइंग करा 50,000 रुपीज और हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 10% पर एनम, और कोई भी जो डेट है किस तारीख को विथड्रॉ करा वो मेंशन नहीं है, तो हम कैसे निकालेंगे, 50,000 का 10% करेंगे एंड 6/12, ये हो जाएगा हमारे पास 2,500 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब जो क्वेश्चन में अगर डेट मेंशन हो, जो डेट ऑफ ड्रॉइंग से वो गिवन है, तब हम कैसे करेंगे, जो टोटल ड्रॉइंग है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी रेट है उससे, और जो टाइम बच गया जिस तारीख को हमने जो ड्रॉइंग है वो करा उसके बाद कितना टाइम पीरियड बचा उसके लिए। अब मान लो कि हमारा जो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक अकाउंटिंग ईयर है और हमने जो 1 जुलाई है उसको ड्रॉइंग करा, कितने रुपीस, 50,000 ही मान लेते हैं, और जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है वो 10% पर एनम है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, 50,000 उसका 10% कितने मंथ्स बच गए, 9 मंथ्स, 9/12, ऐसे कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को। केस नंबर थर्ड, जब जो ड्रॉइंग की अमाउंट है वो हमने विथड्रॉन करी
वो डिफरेंट अमाउंट है एंड डिफरेंट डेट्स को हमने जो ड्रॉइंग है उसको विथड्रॉ करा। इस केस में हम जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, सिंपल इंटरेस्ट मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। जो सिंपल इंटरेस्ट मेथड है उसमें तो हम कैसे निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जो भी अमाउंट है ड्रॉइंग की, हर अमाउंट के लिए हम इंडिविजुअली जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है उसको कैलकुलेट करेंगे एंड देन सबको ऐड कर देंगे। जो प्रोडक्ट मेथड है उसमें हम क्या करेंगे, जो भी अमाउंट होगी ड्रॉइंग की उसको मल्टीप्लाई करेंगे जितना टाइम पीरियड बच गया उससे, देन जो भी मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर्स आएंगे हर ड्रॉइंग के उनको हम ऐड करेंगे, और जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है उसको हम कैलकुलेट करेंगे वन मंथ के लिए। जो प्रोडक्ट मेथड है उसको अडॉप्ट करने का मेन एडवांटेज क्या है कि आपको यहाँ पर जो सेपरेट कैलकुलेशन है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की उसकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उससे आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, मंथ्स डेट ड्रॉइंग की अमाउंट, मई 1 को कितने रुपीज़ निकाले 12,000, 31 जुलाई को 6,000, 30th सेप्टेम्बर को 9,000, 30th नवंबर को 12,000, 1st जैन को 8,000 एंड 31st मार्च को 7,000। जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है वो चार्ज करना है एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। सिंपल मेथड से कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। देखो, फर्स्ट मई को हमने कितने रुपीस निकाले 12,000, ये 12,000 कैसे निकालेंगे, कितना टाइम पीरियड बच गया फर्स्ट मई से लेकर के 31st मार्च तक, ये हो गए हमारे 11 मंथ्स, तो 11 अपॉन में 12, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चार्ज करना है 9%, तो ये हो जाएगा 9/100। जब हम इसको सोल्व करेंगे देन हमारे पास आ जाएगा 990 रुपीज़, ये हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ऐसे ही हम जो बाकी की ड्रॉइंग की अमाउंट है उसके लिए भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है उसको कैलकुलेट करेंगे। 6,000 को मल्टीप्लाई करा 8 मंथ्स, 8/12 मल्टीप्लाई करा 9/100, तो हमारे पास आ जाएगा 360 जब हम इसको सोल्व करेंगे। नाइन थाउजेंड का 6 मंथ्स के लिए निकालेंगे 9%, वो जाएगा 405, ऐसे 360 180। अब 31st मार्च को हमने 7,000 रुपीज़ विदड्रॉ करे, टाइम कितना बचा 0 पीरियड, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना हो जाएगा 0। अब हम सबको ऐड करेंगे तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो गया 2,295 रुपीज़। ये तो हमने सिंपल मेथड से करा, हर अमाउंट के लिए हमने इंडिविजुअली जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है उसको कैलकुलेट करा। जो प्रोडक्ट मेथड है उसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट मई को हमने अमाउंट विदड्रॉ करा 12,000, कितना टाइम पीरियड बच गया 11 मंथ्स, हम क्या करेंगे इन दोनों की प्रोडक्ट, 12,000 मल्टीप्लाई में 11 इज इक्वल्स टू 1,32,000, ऐसे ही 6,000 मल्टीप्लाई में 8 इज इक्वल्स टू 48,000। 30th सेप्टेम्बर को विदड्रॉ करा, 30th सेप्टेम्बर से लेकर के 31st मार्च तक हमारे पास टाइम पीरियड बना 6 मंथ्स का, 9,000 मल्टीप्लाई में 6 इज इक्वल्स टू 54,000, 12,000 मल्टीप्लाई में 4 इज इक्वल्स टू 48,000, 8,000 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल्स टू 24,000, 7,000 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे, ऐड करने पे हमारे पास आएगा 3,06,000। ये तो टोटल आया है, बट हमें तो क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो टोटल आया है प्रोडक्ट्स का उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जो भी रेट होगी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की, यहाँ पर जो रेट थी वो 9% थी, 9/100, और 1 मंथ के लिए निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1/12, तो 3,06,000 मल्टीप्लाई में 9/100 मल्टीप्लाई में 1/12, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2,295 रुपीज़। केस नंबर 4, जब जो ड्रॉइंग की अमाउंट है वो हमने इक्वल अमाउंट विदड्रॉ करी है रेगुलरली, तब हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है उसको कैलकुलेट करेंगे प्रोडक्ट मेथड का यूज़ करके या फिर डायरेक्ट मेथड, दैट इज शॉर्टकट मेथड।
जो डायरेक्ट मेथड है उसको हम तभी यूज़ करेंगे जब तीन कंडीशंस है वो सेटिस्फाइड होंगी। फर्स्ट कंडीशन क्या है, जो भी हमने ड्राइंग की अमाउंट निकाली है वो थ्रू आउट द पीरियड सेम होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने किसी मंथ को तो 5000 निकाल ले, किसी मंथ को 7000, किसी को 9, किसी को 10000, 4000, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप मंथली ड्राइंग कर रहे हो तो पर मंथ जो भी ड्राइंग है वो आपकी सेम रहनी चाहिए। जो भी डेट ऑफ ड्राइंग्स होगी वो भी आपकी थ्रू आउट द पीरियड सेम होनी चाहिए। अगर आपने जो फर्स्ट ड्राइंग है वो कब करी, 1 अप्रैल को, यानी कि हर मंथ के बिगनिंग में, तो जो नेक्स्ट ड्राइंग होगी वो भी 1 मई को होगी, 1 जून को, 1 जुलाई को, ऐसे ही बिगनिंग ऑफ द एवरी मंथ। और जो भी ड्राइंग आप निकालोगे वो रेगुलर होनी चाहिए, बिना किसी गैप के। अगर आपने 1 अप्रैल को विथड्रॉ करा, देन आप 1 मई को, 1 जून को, 1 जुलाई को, जो भी मंथ्स हैं उनमें कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम जो डायरेक्ट मेथड है उसको यूज़ करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के लिए। फॉर्मूला क्या है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, जो भी टोटल ड्राइंग्स हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे रेट से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, एंड 50/12। टी यहाँ पे क्या है, टाइम, मंथ्स में जिस टाइम के लिए हमने इंटरेस्ट को चार्ज करना है। और टाइम को हम कैसे निकालेंगे, जब हमने फर्स्ट ड्राइंग करी उसके बाद जो टाइम बच गया, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, ऐसे ही जब हमने लास्ट ड्राइंग करी उसके बाद जो टाइम बचा वो, उसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से। अब जैसे यही एग्जांपल लेते हैं कि हमने हर मंथ के बिगनिंग में निकाला है 1 अप्रैल को, फिर सेकेंड ड्राइंग करी हमने 1 मई को, 1 जून को, ऐसे करते करते लास्ट ड्राइंग करी हमने 1 मार्च को। अब कितने मंथ्स के लिए हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है उसको कैलकुलेट करना है। तो 1 अप्रैल को जब हमने फर्स्ट ड्राइंग करी कितना टाइम पीरियड बचा, 12 मंथ्स प्लस में लास्ट ड्राइंग करी हमने 1 मार्च को, कितना मंथ बचे, 1 मंथ डिवाइड बाय में 2, 12 + 1 = 13/2। इसको कट करोगे तो ये आ जाएगा 6.5, 6.5 मंथ्स के लिए। अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। जो पार्टनर्स हैं वो फर्म को एडवांस देता है लोन के रूप में। अगर उसने एज अ लोन कुछ भी फर्म को जो पैसा है वो दिया है तो फर्म लायबल होगी उस लोन पर इंटरेस्ट पे करने के लिए पार्टनर्स को। और जो इंटरेस्ट की रेट है वो अग्रीड रेट होगी, पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगी। अगर पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस है, कोई अग्रीमेंट नहीं है, देन उस केस में जो इंटरेस्ट ऑन लोन होगा वो एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट। एंट्रीज कौन सी पास करेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन पे। अब जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस है तो कौन सा अकाउंट होगा, नॉमिनल अकाउंट, इसलिए हमने इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को डेबिट करा। जो पार्टनर्स लोन है वो फर्म के लिए क्या है, लायबिलिटी, दायित्व, कि फर्म को बाद में है पार्टनर्स को वो पे करना होगा, तो इसलिए लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। तो यहाँ पे एंट्री बन जाएगी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। अब जो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट है वो फर्म के लिए चार्ज है, उसको प्रॉफिट एंड लॉस में से उसको राइट ऑफ करना होगा, जिससे जो प्रॉफिट्स है वो कम हो जाएंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब हमने इंटरेस्ट ऑन लोन को ट्रांसफ़र करा तब क्या एंट्री बन जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। ऐसे ही रेंट पेड टू पार्टनर, जो रेंट पे करा जाता है पार्टनर्स को, अगर पार्टनर ने कोई अपनी बिल्डिंग है वो फर्म को दी है तो फर्म एज अ थर्ड पार्टी उसको जो रेंट पे करेगी, और जो रेंट होगा वो एज अ चार्ज होगा प्रॉफिट के अगेंस्ट, इसलिए इसको भी हम प्रॉफिट एंड लॉस में से चार्ज करेंगे और डेबिट कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एंट्री बन जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट पे टू पार्टनर्स। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि आपको जो लेक्चर है वो अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं, कोई सजेशंस है तो वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।